हेलो बडीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैक्रोज के ऊपर। मैक्रोज क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो सब अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बडीज, बजाय थ्योरी बताने के मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये मैक्रो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रो बेसिकली कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है तो आप उसका क्या बना सकते हो, मैक्रो। मतलब आपको कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसके काम में आता है मैक्रो। देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोडिंग कुछ की हुई है, जैसे मेन फंक्शन बनाया हुआ है और उसके अंदर हेलो बडीज प्रिंट कराया हुआ है। अगर अपन अभी इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो बडीज प्रिंट हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि ये कोड आपको बार बार ना लिखना पड़े तो आप क्या करो, इस कोड को कॉपी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इसको मैक्रो बना सकते हो। मैक्रो कैसे बनाओगे, वो बनता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से। बडीज अगर आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं पता है तो आप एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे हैश डिफाइन क्या होता है। तो हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हमें मैक्रोज बनाने में हेल्प करता है। मतलब मैक्रोज अपन इससे बना सकते हैं। अब मैक्रो मतलब क्या, बार बार मैक्रो मैक्रो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये मैक्रो मतलब क्या, ये जो अपन ने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है इसको एक नाम दे देना। जैसे अगर मैं देता हूँ ऐश और उसके आगे लिख देता हूँ मैं कोई कोड जो कि मेरे को इस ऐश नाम को नाम देना है। जैसे मैंने इतने सारे कोड को क्या नाम दे दिया, ऐश। तो अब अगर मैं मेरे प्रोग्राम में इतना सारा कोड ना लिखूँ और बस लिख दूँ मैं ऐश, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि मतलब पहले प्री प्रोसेसर होता है कंपाइलेशन से पहले, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हैश डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पे इस कोड को नाम दिया है, अगर मैं प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी इसको यूज़ करूँ उसके जगह आपको कॉपी इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने ऐश लिखा है तो इसका मतलब बस यही है कि इस कोड को मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं। तो अगर अपन अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा पहले आ रहा था। देखो हेलो बडीज आ रहा है, क्यों, क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ पे बस ये कोड कॉपी होके पेस्ट हुआ है, नाम हमने बदल दिया है, यही होता है मैक्रो। और कॉपी पेस्ट मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट, मतलब आप किसी भी चीज़ का मैक्रो बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मैक्रो और बनाता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ ये कॉपी पेस्ट का मतलब क्या था। तो अगर मैं एक मैक्रो और बनाता हूँ, जैसे मैंने नाम दिया curly, curly, और उसके अंदर आगे मैं लिख दूँ बस curly, तो क्या होगा कि अगर हम अपन इसको यहाँ से हटा के अपन यहाँ लिख देते हैं curly, तो होगा क्या कि ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस curly जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है हमने उसको रिप्लेस कर देगा इस curly brace से, ठीक है। तो या तो यहाँ पे अपन curly brace इसको हटा के ऐसा लगाएं या फिर curly लिखें, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों मतलब सेम ही है। तो अब अगर अपन इस प्रोग्राम को रन भी करते हैं तो कोई गलती नहीं आनी है। देखो हेलो बडीज प्रिंट आ रहा है, लेकिन अगर अपन इस को डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो गलती बिल्कुल है क्योंकि ये curly क्या, curly तो उसको पता ही नहीं है ना। तो सेम यही बात है, मतलब इस यही होता है मैक्रो बनाना, ठीक है। तो ये curly मतलब क्या हुआ, मैक्रो बना दिया अपन ने, ठीक है। बट इस मैक्रोज को आप एक तरीके से और बना सकते हो। जैसे अगर आपको ये बार बार हेलो बडीज नहीं प्रिंट करना है, आप चाहते हो कि कुछ और प्रिंट हो। जैसे होगा क्या कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ऐश और अगर उसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ ऐश, तो दो बार हेलो बडीज ही प्रिंट होना है, मतलब कुछ अलग प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने ऐश को क्या बोला हुआ है, इतना सारा कोड। तो क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपन चाहे वह प्रिंट करवा पाएँ हर बार, मतलब अलग अलग, तो हाँ वो कर सकते हैं अपन। कैसे, इसमें अपन आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक आर्ग्यूमेंट बनाया नेम, तो यहाँ पे अगर आप इसको कट करके यहाँ पे आप क्या कर दो, नेम लिख दो, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब एक स्ट्रिंग के रूप में, तो वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आर्ग्यूमेंट हो गया वो। तो अगर आप यहाँ पे देते हो हेलो, तो हेलो प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हो, जैसे आपने लिखा ओके, तो ओके प्रिंट होगा। देखो अभी मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ, तो हेलो और ओके दो अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी मैक्रोज बडीज इसमें सी या सी प्लस प्लस में बनते हैं, ठीक है। बडीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है इन दोनों के आगे, तो इसलिए क्योंकि अपन ने यहाँ पे जब इसको रिप्लेस कराया था तो उसके साथ सेमीकोलन मतलब साथ में ही दे दिया था। अगर अपन यहाँ से हटा दें तो फिर कोडिंग में मिस्टेक आएगी, क्योंकि ये पूछेगा सेमीकोलन कहाँ है, तो अपनों को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर सेमीकोलन मत लगाया कीजिए। जैसे यहाँ पे दिखने में सही लगता है ये कि हाँ ये कोड और सेमीकोलन,
इसमें अपन केवल कोडिंग करेंगे तो सही रहेगा। तो ये बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा अगर अपन इसको फिर से रन करते हैं तो देखो हेलो और ओके आ रहा है। तो व्हाट इज यही होता है मैक्रो, इसी तरह से बनता है एक मैक्रो। ठीक है, आप चाहो तो ये पूरे इंटीजर मेन ये जो फंक्शन है इस पूरे का मैक्रो भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं थोड़े कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि ये पूरे इंटीजर मेन का मैक्रो आप बना दो तो वो आप कैसे बना सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। हैश डिफाइन आपको लिखना है, जैसे आपको क्या लिखना है आप लिख दो मेन, और अब आप क्या कर सकते हो इस पूरे का मैक्रो बना सकते हो। आप लिख दो इंटीजर मेन और उसके बाद इसके अंदर STD cout, ओके ये हेलो बडी वो जो भी आपको लिखना है, और उसके बाद STD और NL, ओके। तो ये अपन ने इस पूरे इंटीजर मेन का मतलब ये जितना भी लिखा था अपन ने ये सब किस में लिख दिया, इस कोडिंग में लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर अपन इस सबको रिप्लेस करके यहाँ पर सिर्फ लिख दें मेन तो अपना काम चल जाएगा। तो अपन अब अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो भी ये काम करेगा, हेलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये जो मेन है इसको रिप्लेस करने के लिए बोला था किससे, ये पूरे कोड से। ठीक है, तो ये पूरा कोड किससे रिप्लेस हो गया, मेन से। जब जब भी अपन मेन लिखेंगे तो वो पूरा कोड रिप्लेस होगा, लेकिन आप दो बार मेन नहीं लिख सकते क्योंकि दो मेन फंक्शन हो नहीं सकते एक सी प्रोग्राम में। तो ये तो सही नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि अपन ने क्या किया है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो मैक्रो बनता है वो आपको एक लाइन में ही डिफाइन करना पड़ेगा, और वो बात कई हद तक सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वैसा लिखोगे जैसा आपने मेन फंक्शन बनाया था, जैसे यहाँ पे ऐसे करके और STD cout और उसके बाद ऐसा, तो ये एक मैक्रो नहीं बनाए बडीज। मैक्रोज क्या होते हैं, एक सिंगल लाइन में आने चाहिए। जैसे हैश डिफाइन इंटीजर इंटीजर मेन, तो ये मेन किससे रिप्लेस होगा, केवल इंटीजर मेन से, और ये सब कोड तो आपने एक्स्ट्रा कहीं से लिखा हुआ है। तो ये मैक्रो में नहीं गिना जाएगा, मैक्रो में जो उस लाइन में आता है वही मैक्रो बनता है। ठीक है, तो हाँ ये बात तो सही है कि मैक्रो एक ही लाइन में होना चाहिए, लेकिन इसको अपन ओवरकम भी कर सकते हैं, मतलब इससे बचा भी जा सकता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बैक स्लैश। अगर आप यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद क्या कर रहे हो, इंटर दबा रहे हो। जैसे आपने बैक स्लैश के बाद इंटर दबा के ये किया था ना, तो उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा। जैसे इसके बाद भी इंटर लगाया तो आप यहाँ पे भी बैक स्लैश लगा दो, इसके बाद भी इंटर लगाया तो आप यहाँ पे भी बैक स्लैश लगा दो। तो होगा क्या कि ये मतलब एक जो न्यू लाइन होती है उसको स्किप कर देगा ये हैश डिफाइन। ठीक है, तो मतलब ये पूरा किस में आएगा, एक ही मैक्रो में आ जाएगा। तो अब अगर अपन इसको रन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो अपन ने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया जो कि मल्टीपल लाइंस में था, मतलब एक ही लाइन में नहीं किया, मल्टीपल लाइंस में भी अपन कर सकते हैं, किसकी मदद से, बैक स्लैश की मदद से। ठीक है, तो बड़ी चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये बैक स्लैश काम कैसे कर रहा है वाकई में। तो देखो, तो बड़ी एक बात तो है कि अगर अपन कोई मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं जैसे अपन ने यहाँ पे किया ना, तो वो होना चाहिए काई में सिंगल लाइन में। अपन इस तरह से ये तो अपन ने स्लैश की हेल्प ली, अगर अपन स्लैश नहीं लगाते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया और यहाँ पे भी नहीं लगाया, तो होगा क्या कि हैश डिफाइन मेन और इंटीजर मेन, या फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो एक लाइन में, जो भी लिखा है वो सब मैक्रो में गिना जाएगा। उसके बाद ये जो भी जितना भी कोड है इसको मैक्रो में नहीं गिना जाएगा। तो अब अगर अपन इस प्रोग्राम को रन भी करेंगे तो एरर आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बैक स्लैश। अब बैक स्लैश काम किसे कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब मैक्रो अपन एक ही लाइन में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब अपन को इंटर प्रेस करना होता है तो उसमें दिक्कत होती है। मैक्रो क्या, उसको पता नहीं है कि आपने इंटर प्रेस किया या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आप यहाँ पे बैक स्लैश लगाते हो और उसके बाद अपन इंटर दबाते हैं, जैसे अपन ने इंटर दबा के ही कर्ली ब्रेस लगाया था। ठीक है, तो जब इंटर लगाते हो या फिर न्यू लाइन लगाते हो तो वो उसको स्किप कर देता है ये कैरेक्टर, बस इसीलिए है कि प्री प्रोसेसर को ये बताता है कि इसके आगे जो भी हुआ है वो स्किप कर देना। तो मतलब देखो, इसके आगे अपन ने क्या किया था, इससे इंटर दबाया था, इंटर दबा के ही अपन ने कर्ली ब्रेस लगाया है तो वो स्किप हो जाता है। जैसे इसके बाद अपन ने क्या किया, इंटर लगाया और फिर ये लिखा है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये लगाना पड़ेगा बैक स्लैश ताकि ये एक मैक्रो में आ पाए। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो या तो फिर आप ऐसा कर लो कि इसको एक ही लाइन में लिख दो, लेकिन फिर भी इसके बाद तो आपने इंटर लगाया तो यहाँ पे आपको ये बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो बात तो वही हो गई। आपको
मैक्रो डिफाइन एक ही लाइन में करना है। अगर आपको ये भी नहीं लगाना है तो आप यहाँ से इसको भी हटा दो और यहाँ पे ये एक लाइन में आप डिफाइन कर दो। तो मैक्रो एक ही लाइन में डिफाइन होते हैं। अगर आपको थोड़े मल्टीपल लाइंस में डिफाइन करना है, जैसे मतलब आपको देखने में इजी रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अपन इंटर लगाने वाले हैं तो आप बैक स्लैश लगाओ और इंटर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैक स्लैश लगाओ इंटर, और इसको अपन नहीं लगाना चाहते, ठीक है। और अब इसके बाद बैक स्लैश लगाते हैं यहाँ पे और इंटर, तो वो इंटर को स्किप किया जाएगा, मतलब इंटर वहाँ पे वो जो है, मतलब ये पूरा एक मैक्रो बन जाएगा तब, ठीक है। बट इस एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप बैक स्लैश लगाते हो तो इसके जस्ट बाद आपको इंटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो कैरेक्टर होता है वही स्किप किया जाता है, ना कि मतलब जैसे आप अगर आप यहाँ पे स्पेस लगा देते हो या फिर कोई कैरेक्टर 5 या ऐसा कुछ लिख देते हो, जैसे टी लिख दिया या फिर आपने कुछ भी लिख दिया, तो वो स्किप हो जाएगा, लेकिन ये सब स्किप नहीं होंगे। मतलब इंटर आपने स्किप नहीं कराया है, आपने क्या स्किप करवा दिया है, टी। तो टी कोडिंग में नहीं गिना जाएगा, और सब तो है ही, तो ये तो फिर भी गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको लगा के डायरेक्ट इंटर प्रेस करना है ताकि इंटर स्किप हो, ठीक है, मतलब न्यू लाइन स्किप हो पाए। तो बस यही था मैक्रो। इसी तरह से बनाते हैं अपन सी या सी प्लस प्लस में मैक्रोज हैश डिफाइन की मदद से। तो अपन ने इस वीडियो में हैश डिफाइन को पूरा सीख लिया, अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे वो अपन कुछ प्रोग्राम बना के भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में तो बस ये बताना था कि हैश डिफाइन कैसे काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैश डिफाइन का मतलब मैक्रोस कैसे बनाते हैं, हैश डिफाइन को कैसे यूज़ करेंगे। अब कुछ प्रोग्राम्स भी बना के अपन देखेंगे कि ये हैश डिफाइन मतलब वाकई में अपनी हेल्प कहाँ करेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।